पेंशनर समाज द्वारा सदस्यों की आम सभा बैठक का किया गया आयोजन। पेंशनर समाज पनकी के सदस्यों की आम सभा त्रिपाठी गेस्ट हाउस पनकी में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता पेंशनर समाज के अध्यक्ष श्री साहब दीन यादव ने किया, जिसमें संस्था के संरक्षक पंडित रामजी त्रिपाठी, डॉक्टर एसपी सक्सेना एवं सलाहकार डॉक्टर एसके शुक्ला एवं शिवम त्रिपाठी आदि लोग उपस्थित रहे। संरक्षक मंडल के द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। तत्पश्चात अध्यक्ष जी ने स्वागत भाषण के माध्यम से सबको आभार प्रकट किया। मंत्री पीएन लाल ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पिछले वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कोषाध्यक्ष श्री वीके माथुर जी ने पिछले वर्ष 2003 में आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसे आम सभा के सभी सदस्यों ने करतल ध्वनि के साथ किया। अध्यक्ष द्वारा 8 सूत्री मांग पर जो भारत सरकार को संबोधित है प्रस्तुत किया गया, जिसमें सदस्यों ने सर्वसम्मानित से पास कर दिया। कार्यक्रम का संचालन श्री बी आर प्रसाद ने किया। अंत में अध्यक्ष के उद्बोधन के पश्चात कार्यक्रम समाप्त हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से आर बी यादव, बी के तिवारी, सी एल पांडे, श्याम जी यादव, सी बी साहू, पी सी राय, राजा राम, सुरेंद्र सिंह व कारकाणी के सभी सदस्यगण आदि उपस्थित रहे। कानपुर की ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम साहब दीन यादव, पेंशनर समाज पंची के प्रेसिडेंट, और हमारा ये आज कार्यक्रम जो आम सभा है, साल में एक बार होता है, जिसमें हमारे सदस्य जो होते हैं वही यहाँ पर आएंगे, और हमारा 34वां वर्ष है, 34 ईयर, उसमें हम लोग इकट्ठा होकर के साल भर का आय व्यय और क्या काम किए उसके बारे में विधिवत चर्चा करते हैं। साथ में हर दो साल में चुनाव होता है, उसकी प्रक्रिया पूरी करते हैं, करते हुए और जो भी हमारी डिमांड भारत सरकार से बराबर उसमें हम संघर्षरत रहते हैं। जैसे कि हमने डिमांड हमारी हुई है कि 18 महीना हमारा डीए के एरियर था, वो भुगतान किया जाए, प्लस पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। तीसरा, रेल किराया में जो वरिष्ठ नागरिकों को छूट मिलती थी वो बंद हो गई थी, उसको बहाल कराने के लिए भी कई बार हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री को थोड़ा डीएम कानपुर के बाद हम लोग मेमोरेंडम देते रहते हैं। साथ में सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी, जो हमारा साथी रिटायरमेंट होता है तो 80 साल के बाद हमारा वो हमको 20% मिलता है। उसके लिए हमारी लड़ाई ये थी कि 65 साल में 5%, 70 साल में 10% और 75 साल में 15%। उसके लिए भारत सरकार को हम लोगों ने कई बार निवेदन किया है और इस पर पुनः विचार करने के लिए सरकार को निवेदन किया है। शायद अगर नहीं होगा तो हम लोग उसके लिए संघर्ष और धरना वगैरह देंगे और पेंशन की को आयकर से मुक्त किया जाए, जो हमारी पेंशन मिलती है वो आयकर से मुक्त करने के लिए। साथ में हमारा जो डीए, हमारा जो बेसिक वो है पे कमीशन बढ़ना चाहिए, जो हमारा जब पे कमीशन सेविंग पे कमीशन ने कहा था जब 50% आपका डीए हो जाएगा तो आपकी बेसिक में मर्ज हो जाएगा, वो तो अभी तक सरकार ने उस पर कुछ नहीं किया है। उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहा हूँ कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। सरकार से निवेदन है कि हम डिमांड आज करते हैं अपने समाज की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, कि पेंशन, पुरानी पेंशन को बहाल देने की अपना करें। इंतजार हूँ पेंशन समाज का और 15 साल से लगातार इसी पद पे हूँ निर्विरोध। इसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एक बार लोकसभा में एडमिट कर चुकी हैं कि हम 65 साल में 5%, 70 साल में 5% और 75 साल में 5%, टोटल 15% और 80 साल में तो 20 दे रहे हैं, हम वही मांग रहे हैं। मगर हम चाहते हैं कि 70 साल वाला अगर ख़त्म हो जाए उसको तो कुछ मिलता ही नहीं, तो ये कमिटमेंट इन्होंने कर चुकी है ये सीतारमन जी, मगर अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इसको हम लोग बार बार उठा रहे हैं मगर अभी तक हो नहीं।